सुबह 6 बजे सोए थे इसलिए हम अभी उठे हैं गाइस। टी शर्ट पहना है ना, उसके बाद ये लग जावे गाइस। थोड़ा सा ढीला है और ये हम गोवा घूम रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओपन कैमरा बाय फौजिया। आज है डे टू, मतलब मॉर्निंग वन, डे टू मॉर्निंग फर्स्ट है हमारी। हम उठ चुके हैं सुबह के बज रहे 12, क्योंकि हम सुबह 6 बजे सोए थे इसलिए हम अभी उठे हैं गाइस। और उठकर हमने बस ऐसे ही कपड़े चेंज कर लिए, अभी हमने नहाया नहीं क्योंकि हमारा प्लान है अभी हम बाहर जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम पूल पे करेंगे थोड़ा सा फन। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैंने टी शर्ट डाली अपनी बाहर ब्रेकफास्ट एक्सप्लोर करने। धूप बहुत ज़्यादा है बट गोवा आए हैं तो सोने तो नहीं आए हैं, तो इसलिए हमने 5-6 घंटे की नींद पूरी की है। अभी मैं जल्दी से आपको एक घर, ये घर का टूर करा देती हूँ, उसके बाद मैं निकलती हूँ। ये है हमारी एंट्री, इसको मैंने खोला और ये है इस घर का हॉल। बहुत ही प्यारा घर है गाइस, बहुत ही अच्छा घर है, हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो ये पूरा इन्होंने सिटिंग एरिया दिया है, दैट इज अ डाइनिंग एरिया। टीवी दिया है, टीवी के साथ बोट के स्पीकर्स भी हैं, तो आप अपने, हमने रात में मस्त फन किया, गाने वाने सुने। दिस इज वन बैल्कनी गाइस, ये एक बैल्कनी है बाहर की जहाँ पे आप बैठ के चिल मार सकते हो, और इस बैल्कनी से व्यू है पूल व्यू। सो ये हॉल के हॉल से अटैच्ड बैल्कनी है। उसके बाद ये दिस इज द सिटिंग एरिया। अब हम अंदर जाएंगे और ये मिला हमें सचिन। हे गाइस, गुड मॉर्निंग कर दो भाई सबको, एंड तारिक। और गाइस सबसे बेस्ट पार्ट इस घर का इज दिस किचन, जो काफी स्पेशियस है, बहुत ही अच्छा है। इन्होंने अपना कटलरी, क्रॉकरी, यूटेंसिल्स एंड ऑल दे रखे हैं, सारी जो भी नेसेसिटी की चीजें हैं सब कुछ है। कॉफ़ी है, हमने सुबह ब्लैक कॉफ़ी पी है, सचिन ने पी है, बेसिकली पूजा ने पी है। सो ये माइक्रोवेव, फ्रिज, नॉल, इन्होंने वॉशिंग मशीन दे रखी है, डिटर्जेंट भी है, तो हमने प्लान किया हम अपने कपड़े भी धो लेंगे यहीं पे। और ये है हमारी पूजा। गुड मॉर्निंग गाइस। यस, और इसके बाद ये एक रूम है गाइस, दिस इज द फर्स्ट रूम, और इससे अटैच्ड है हमारी ये बैल्कनी जहाँ पे उधर से खुलता है, जहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा टाइल्स एंड ऑल डाल रखी हैं। ये गाइस यहाँ का वॉशरूम, सो दिस इज द वॉशरूम ऑफ दिस रूम। फिर हम चलते हैं अपने सेकेंड रूम की तरफ जो है हमारा रूम। मैं और तारिक इस रूम में स्टे कर रहे हैं, सो ये हमारा रूम है। साइड टेबल्स है, लैम्प है, दोनों रूम्स में इन्होंने टीवीज दे रखे हैं। इस रूम से अटैच्ड वॉशरूम नहीं है, कपबोर्ड है, ये हमारा सारा सामान है, ये मिरर है गाइस, आप अपना रेडी हो सकते हो। इस रूम से अटैच्ड वॉशरूम नहीं है, इसके जस्ट बाहर ही वॉशरूम है। सो दिस इज द वॉशरूम, बहुत ही प्यारा वॉशरूम है, स्पेशियस है, क्लीन है। हमारे रूम से अटैच्ड गाइस ये बालकनी व्यू है, तो रात को हमने यहाँ पे भी चिल करा था। तो दिस इज द हमारे रूम की बालकनी का व्यू। सो ये हमारा प्लान है कि हम पूल पे जाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, काले होंगे तो हो जाएंगे, सनस्क्रीन ले लिए, लगा लिए, सब कर लिया। तो बहुत ही प्यारा घर है गाइस, आई रिकमेंड दिस। और ये है एगा गोवा रेसिडेंसी इन अंजुना, इसकी सारा डिस्क्रिप्शन इन ऑल आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आई रिकमेंड द प्रॉपर्टी, एयरबीएनबी प्रॉपर्टी है, बेस्ट फॉर 2 कपल, क्योंकि 2 रूम है, 2 कपल या 4 फ्रेंड्स के लिए बेस्ट है, बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है। हम निकल चुके हैं, गाड़ी हमने कर ली है अपनी बैक और जा रहे हम एक्सप्लोर करने। हम जाएंगे आई गेस बागा में ब्रेकफास्ट करने, और यहाँ पे इनका फोटो सेशन ऑन है। ये मेरा बेबी। तो गाइस बाहर का हमारा ये व्यू है, रात को तो हमें नहीं दिखा था बट अभी हम देख रहे हैं, पूरा ट्रीज है, पाम ट्रीज है, यहाँ पे पूरा ये जंगल जैसा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। हम मना रहे हैं आज, वैसे बारिश का प्रेडिक्शन है तो हम मना रहे हैं यार बारिश हो जाए। ये जंगल पूरा, इस साइड भी पूरा जंगल है यार, पूरा ये जंगल के बीच में है। अंजुना के साइड में थोड़ा सा आपको रेस्टोरेंट कम मिलेंगे बट
रहने का बहुत अच्छा मिल जाता है टूवर्ड्स अंजुना। कैंडलम और बागा के साइड आपको मार्केट मिलेगी और रहने का भी मिल जाता है, बट यहाँ पे अंजुना साइड थोड़ी शांति मिलती है, थोड़ा पीस मिलता है, उधर पूरा जो है भरा हुआ होता है। तो दैट्स व्हाई वी हैव चूजन अंजुना। तो ये हमारा पूरा, ये पूरी बिल्डिंग से हमारी, और यहाँ पे दो तीन आई गेस एयरबीएनबी ही हैं जो मैंने एक्सप्लोर किया है। सो हम आ गए हैं बागा, और बागा में पार्किंग में हमने गाड़ी पार्क की है बिकॉज इट्स सेफ। तो हमने सोचा हम पैदल थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे रेस्टोरेंट एंड ऑल, और वहाँ पे कुछ खा लेंगे। पीछे आ रहे हैं तीन बंदर थमकते हुए। और बहुत धूप है बट हवा चल रही है तो इतना पता नहीं चल रहा है गाइस। ठीक है, हम मना रहे हैं बारिश हो जाए। सो ये है हमारी स्ट्रीट ऑफ गोवा, बागा स्ट्रीट। यहाँ पे बहुत सारे आपको सस्ते सस्ते ब्रेकफास्ट के लिए मिलेंगे रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, कैशू, यहाँ के कैशू फेमस हैं, वो भी मिलेगा। फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिला है और वो है ये। तो यहाँ पे मैं और तारिक लास्ट टाइम जब गोवा आए थे तब भी विजिट किया था, राइट? तो हम यहीं पे आ गए, और यहाँ पे पूरी सब्जी और डोसा बहुत अच्छा होता है, तो भैया ने हमारे लिए डोसा ले आए, और ये हमारी पूरी सब्जी है। तो ये है हमारा, 2 बज रहे हैं दिन के, और बट ये है हमारा ब्रेकफास्ट, ब्रंच, कुछ भी बोल लो, ये लंच वंच सब कुछ है हमारा। और पूरी मंगवा, हाँ बहुत सारा खाने वाले हैं हम, तो हम करते हैं थोड़ी पेट पूजा। भैया सम स्ट्रीट शॉपिंग इन गोवा, तो ये स्ट्रीट शॉपिंग हम थोड़ा कैप वैप देख रहे हैं। पानी बॉटल एकदम वो लग रहा, ब्रिटिशर। हाउ इज इट? ये 250 है। 200 है। अच्छा 200 है। कैसी है? ठीक है। ये 150 की नहीं होगी। इससे धूप का तो कुछ हो नहीं सकता। ये इसमें हम लोग पूरा जोन में नहीं, सुधर तो नहीं है। भैया ये कैप कितने की है? कौन सा ना? ये वाला। 200 है। तो गाइस ये 200 की कैप है। ले लो कोई भी एक कैप ले लो, हमने लिए तुम्हें गाली दोगी, यू जस्ट टेक कैन ओके। तो मैं कलर चूज कर लेती हूं। ले लो एक अपने लिए। ये ब्लैक अच्छा लगता है, येलो भी अच्छा दिखता है। येलो भी भैया बोल रहे अच्छा दिखता है। टी-शर्ट पहना है ना, उसके पास येलो जमे गएगा। वैसे भी पिंक टी-शर्ट पहना है तो येलो जमेगा, तो येलो जमाते, बट थोड़ा गंदा है येलो, देखो भैया। अब चेंज करके दे दो। ये गंदा है, कोई खा के है ना, गंदे हाथ से छू लिया। ओपन ट्राउजर से क्या? हाँ हाँ ये फेमस है। ले लो, कैप भी अच्छी लग रही है। तो गाइस ये कैप है एक बार, और ये भी कैप है। ये वो हैट है, ये हैट है, कैप नहीं है। ले लो हैट, ले लो कैप। अब शिकार कहाँ मिलेगा भैया यहाँ पे? यार येलो तो अच्छी लग रही है, बट येलो ना थोड़ी सी गंदी है, तो मैं नहीं लूंगी। अभी गाइस बाल मेरे खराब हो गए, बट ठीक है। अरे गिर गए, सॉरी भैया। हाँ चलेगा चलेगा, जाओ। ये वाली बोल रहे हो ना, ये बोल रहे हो ना भैया? हाँ ये ले लेते हैं, तुम भी ले लो एक अपने लिए यार। हमको भी अपने चाहिए भाई। भाई ले लो, बहुत गर्मी है। तो गाइस मैंने ये कैप ले ली है, इसके ऊपर के भाई स्टिकर भी निकलवा लो भाई। ये स्टिकर वो नहीं, उधर आगे वो कमाल पता नहीं ये है, ये स्टिकर है ना, अभी आगे का निकलेगा ना। हां निकलेगा, ये स्टिकर निकाल देते हैं भैया, निकाल देंगे। तो गाइस आई होप अच्छी लग रही है, क्योंकि एक कैप चाहिए क्योंकि बहुत धूप है, ओहो पसीने आ रहे हैं। आप शॉर्ट्स ले सकते हो, आप अगर कपड़े नहीं भी लाए हो गोवा में तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अंदर से शॉप दिखाती हूँ भैया की।
So these are the bags, shorts, dresses. अपनी शॉप का नाम बताएं सब. पूजा रेडीमेड स्टोर. पूजा रेडीमेड स्टोर बागा मार्केट राइट अपोजिट सन सिटी रिजॉर्ट. अरे वाह, लैंडमार्क भी बता दिया भैया ने. अब आ जाना. यहां से आओ तो भैया के यहां से सामान जरूर लेना. बहुत बहुत तो मैंने एक कैप ली है और सचिन ने कैप ली है. और दिल्ली में 200 कैप, दिल्ली में 1000 कैप मिलेगी. 200 की कैप दिए भैया. थैंक यू. किसके किसके बेबी हो? मैं सचिन का फर्स्ट कर रहा हूँ. अभी हम कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं कार पार्किंग में. बुकर मत करना ना. बुकर मत करना. एक मत कर देना. राइट. मैं लाइक. नहीं नहीं थैंक यू. तो अभी हमारा प्लान है कि हम वेगेटोर जाएंगे और वेगेटोर में थोड़ा करेंगे. थोड़ा सा ढीला है गाड़ी की कमान मैंने संभाली क्योंकि मुझे पीछे बहुत गर्मी लग रही थी. बैठा ही नहीं जा रहा था. बहुत पसीने आ रहे थे तो आई थॉट कि गाड़ी ड्राइव कर लेती हूँ ताकि एसी मिले. सही प्लान है ना. सेल्फिश. अभी हम जा रहे हैं वेगेटोर बीच. तो सचिन ने भी यहाँ से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है. हेलो गाइस, वेलकम टू गोवा. अब हम दूसरे के देख के बनाएंगे. तो हम आ गए वेगेटोर और पता करते हैं वेगेटोर बीच. वो है बीच, वे टू बीच. ये हम हैं, ये हमारी गाड़ी और ये हम गोवा घूम रहे हैं. तो ये है हमारे बीच का रास्ता. ये है वेगेटोर बीच. इनके पास बहुत प्रॉब्लम है. इनका एसडी कार्ड नहीं था पहले. एसडी कार्ड आया फिर अब बोल रहे बैटरी नहीं है. नहीं बैटरी हमारे प्रॉब्लम सही है. हमारे चले ये देखो ये पेड़ 300 साल पुराना पेड़ है. ये 300 साल पुराना पेड़ है जो बोल रहे हैं बहुत हो गया. हाँ तो एक बार सब लोग ट्राई करो. पहले तुम लोग ट्राई करो, सबसे लास्ट में मैं जाऊंगी ट्राई करूंगी. ठीक है. सचिन को डर लग रहा है आगे जाते हुए. तारिक को फोटो से इरिटेशन हो रहा है भाई. लास्ट टाइम मैं निप्ति वंदन तारिक लुमिनो आए थे और बोलते हैं कि हाँ हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई थी और हमें बोला गया कि यहाँ पे अंदर बहुत सारे रशियंस हैं, पार्टी चल रही है. बट जब हम अंदर गए तो तीन नेपाली बैठे हुए थे. है ना. फिर हम आ गए तो हमने एंट्री फीस ली थी. और ये गाइस हमारी बीच आ गई है. ये हमारी बीच गाइस. ये आ गए हैं हम वेगेटोर बीच. ये हमारी वेगेटोर बीच और बहुत ही प्यारा लग रहा है. मतलब धूप है पर ठंडी हवा चल रही है तो इतना पता नहीं चल रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत साफ बीच है. ये रॉक बीच है. अंजुना एंड वेगेटोर बोथ आर रॉक बीच. तो ये वो वाली बीच नहीं है. तो ये रॉक बीच है. यहाँ पे आप फन कर सकते हो. बहुत अच्छी फोटो आ रही है इन लड़के लड़कियों की. सो गाइज जैसा आप देख सकते हो हम बिल्कुल लाल हो चुके हैं. घर जाके काले हो जाएंगे क्योंकि टैन में पहले लाल होते हैं और फिर काले. तो रात में टोमेटोज भी चले जाएंगे. और बाकी रही पूरी हो जाएगी. अभी हमने टोमेटो हो चुके हैं. बहुत पसीने आ रखे हैं. बिल्कुल लाल है सब. बहुत सब लोग बहुत थक गए हैं. हम अपनी अपने रूम पे वापस जा रहे हैं वेगेटोर बीच से. हमने बहुत फन कर लिया यहाँ पे. बहुत सारी फोटोज एंड वीडियोज लिए हैं जो आपको मेरे इंस्टा पे मिल जाएंगी. और फाइनली हम यहाँ से जा रहे हैं. अब घर जाके हम थोड़ा रेस्ट कर. अच्छा घर जाके हमें शायद पूल पे जाना है. देखते हैं घर जाके क्या मन करता है. माइट भी रेस्ट करेंगे. पूल पे जाएंगे. रेस्ट करने का तो वैसे एज सच कोई प्लान है नहीं. सांसें फूल रही हैं मेरी. तो रेस्ट करने का कोई प्लान नहीं है गाइज. और उसके बाद हम रेडी होंगे नहाएंगे क्योंकि हमने नहाया नहीं है. हम ऐसे ही आ गए तो हम घर जाके नहाएंगे और हम रात को क्लब जाएंगे पार्टी करने. आज तो क्लब जाना है हमें. तो आप देख सकते हो गाइज पीछे कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और पूरा ग्रीन है. ग्रीनरी छाई हुई है. बहुत अच्छा है. आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर.